शाला महाविद्यालय में अभी भी ताले लगे हैं। हालांकि शैक्षणिक संस्थाओं की ओर से ऑनलाइन शिक्षण कार्य जारी है, किंतु आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए जरूरी साधन सामग्री उपलब्ध नहीं होने से अब ये उनके लिए परेशानी का सबब बन गई है। पालकों में सुविधाओं के अभाव में आदिवासी बच्चे कहीं शिक्षा से वंचित ना रहे, इसे लेकर चिंता सताने लगी है। राज्य में आदिवासी समाज को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने वर्षों पहले से ही सरकार की ओर से अति दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों के शैक्षणिक व सामाजिक विकास स्थापित करने के लिए आश्रम शाला की योजना कार्यान्वित की गई थी। आदिवासी समाज को सुशिक्षित कर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए ये कोशिश सरकार की ओर से की गई। वर्ष 2014 से शहर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में आदिवासी विद्यार्थी शिक्षा ले पाए, इसलिए नामांकित शाला शिक्षा योजना शुरू की गई। इस योजना में कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक निशुल्क शिक्षा, निवास व भोजन की व्यवस्था की गई है। इसी तरह आदिवासी आश्रम शाला के मेधावी विद्यार्थियों के लिए 1990-91 से एकलव्य निवासी शाला उपक्रम केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया। इन स्कूलों के माध्यम से आदिवासी समाज के हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब इन छात्रों की शिक्षा को लेकर आदिवासी विकास विभाग भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से शिक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।